कोलकाता में मुख्यमंत्री हाट बाजार के कमरों की पुनः जांच में पहुंचे जांच अधिकारी की जांच। ग्राम पंचायत लामता के अंतर्गत मुख्यमंत्री हाट बाजार बने सेठ कमरों को पूर्व सरपंच द्वारा बिना प्रस्ताव पारित किए हुए 30 वर्षों की लीज दिया गया, जिसके पश्चात जांच टीम के द्वारा अब जांच शुरू कर दी है। इन कमरों की शिकायत के पश्चात जिला पंचायत बालाघाट के आदेश में पंचायत समन्वयक बीएस ठाकुर द्वारा जांच कर रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसका परिणाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट के न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पुनः जांच दल का गठन किया गया है, जिस पर ग्राम पंचायत लामता पहुंचकर मुख्यमंत्री हाट बाजार में निर्मित कमरों की जांच लगभग तीसरी बार की गई, जहां औपचारिक रूप से जांच बनाई गई है। जांचकर्ता अधिकारी जिला समन्वयक राजेंद्र राय ने अवगत कराया कि जांच के लिए हमें जो आदेश मिले हैं उन बिंदुओं पर हमने रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे जिला पंचायत में पेश कर देंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही जिला पंचायत अधिकारी के अधीन होगी। वहीं जांच करते समय पूर्व सरपंच अनिरुद्ध जायसवाल, पूर्व सचिव आशीष राहंगडाले तथा शिकायतकर्ता शत्रुघ्न असाटी भी मौजूदगी में बयान लिए गए। सत्यनंद द्विवेदी के नाम पर अलॉटमेंट हुई सर, ग्राम पंचायत ने इनको दी थी दुकान वाली। अच्छा, शुरुआत में इन्होंने मुझे किराए पे दी। अच्छा, ये दुकान मैं चला रहा हूँ। समथिंग मालिका ने हक मतलब उन्हीं को अलाट है, आपको अलाटमेंट किराए से कर रहे हैं। अलाटमेंट उन्हीं को था, उन्होंने मुझे किराए पे दिए हैं। अच्छा, तो वो चल रही थी तो किराया दे रहे हैं क्या? उसके बाद में इन्होंने थोड़ा सा मेरे साथ में गलत व्यवहार करे, तो उसके लिए मैंने न्यायालय में मैंने इसके लिए कोर्ट में आवेदन कर दिया है। उसकी चल रही पेशी, जो व्यवहार गलत तरीके से करे उस चीज़ के बीच चल रही है। उसका अभी निर्णय नहीं हुआ है, अभी थोड़ा स्टे लगा हुआ है। चीज़ कुछ अपवाद टाइप के लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ऐसा करे हैं। नाम आपका? वीरेंद्र नेवारे। आपत्तिजनक बातें, अपमानजनक कुछ शब्दों से मेरे से बातचीत की गई थी यहाँ पे, इसलिए मैंने न्यायालय में इस चीज़ के लिए आवेदन किया। उसकी पेशी मेरी चल रही है और पता नहीं द्विवेदी भी इस पेशी में आते हैं। राजेंद्र राय, जिला समन्वयक, जिला पंचायत बालाघाट। माननीय न्यायालय विहित प्राधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट से ग्राम पंचायत लामता की जांच हेतु संयुक्त जांच दल गठन किया गया है। उसमें जांच में श्री संदीप ठाकुर लेखा अधिकारी वित्त एवं लेखा, मैं स्वयं एवं मेरे साथ श्री सुरेश श्रीवाथवी जी पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत बालाघाट, तीन सदस्यों का जांच दल गठन किया गया है। आज हम ग्राम पंचायत लामता में उपस्थित हुए। जांच के समय ग्रामवासी, वर्तमान सरपंच साहब, पूर्व सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक सभी उपस्थित हुए एवं उपस्थित संबंधितों के साथ आपके बाजार चौक में जो आपके बाजार सेट का जो निर्माण किया गया है उसका संबंधितों के साथ स्थल निरीक्षण किया और वहाँ जो सेट में निर्मित हैं दुकानें उनका माप भी लिया गया। और इसके बाद में जो प्राप्त निर्देशानुसार अभिलेखों का परीक्षण का नियमानुसार प्रतिवेदन तैयार कर हमारे द्वारा जिला पंचायत में प्रस्तुत किया जाएगा। जी जी नहीं, मेरे ख्याल से दो, संभवतः दो या तीन ऐसी दुकानें हैं जिसमें संबंधित दुकान वालों से जानकारी ली गई कि किस जो साइड में पीछे साइड किसी की दुकान है उनके द्वारा जो सामने पोर्शन में जो दुकान उनके द्वारा सामने वालों को दुकान दे दी गई है। नहीं, इसके संबंध में किसी ने लिखित नहीं दिया और किसी ने जानकारी नहीं दिया। ये तो सब अभिलेखों परीक्षणों सब जांच के उपरांत ही जानकारी हमारे द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जिला पंचायत बालाघाट को हम सभी सदस्यों द्वारा जमा कर दिया जाएगा।
अपना ही वो प्रतिवेदन तैयार करने के बाद हमारे द्वारा जमा कर दिया जाएगा जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।